दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्याम खाटू वाले बाबा की। दोस्तों ये हमारे ये बच्चे हैं, हम या तो हमारा पोता लगता है, ठीक है, और ये इनके मित्र हैं। ये पोता इन्होंने, है, पर नाता ना धोता है। इन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया है और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम करण। आपका बेटा? निखिल। निखिल आपका? क्रिश। क्रिश, इन बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं इनको कहूँगा कि मेरे आगे लाइक करें, शेयर करें और जो नए जुड़े हैं तो उनको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बेटा आप सब लोगों का। ये मेरे बाबा हैं और आगे। अब आप बोलो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्याम खाटू वाले बाबा की। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सूचित करता हूँ कि आप बैंक में जाएं तो अपने अपने और अपने परिवार का जो भी कोई सदस्य पैसे से निकालने जाए तो होशियार होके जाए। अभी क्या हुआ, मेरे पास अभी कुछ बच्चे आए थे और वो अपनी माताजी को लेके बैंक से पैसा निकाल के चले तो कुछ लेडीजों ने उसको घेर कर उसमें से उनके 50,000 थैले में से निकाल लिए। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आगे कभी भी आप बैंक में जाओ तो आप चारों तरफ देखकर, क्योंकि बहुत लोग नज़र रखते हैं आपके पैसे पर कि आप क्या कर रहे हैं, आप पैसा निकाल रहे हैं और 50,000 रुपये निकाल लिए उस गरीबों के, तो कितनी बड़ी बात है। ये बहुत उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। तो आप लोग भी होशियार रहें, मैं होशियारी के लिए आपको ये अपनी वीडियो में डाल रहा हूँ और मैं अभी आपको सूचित कर रहा हूँ, आप होशियार हो जाएं। दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक है नंदनगरी। यहाँ आज सुबह हमारे जानकार बच्चे अपनी माताजी को लेकर आए थे। जो माताजी हैं वो चलने में असमर्थ थी तो बच्चों ने, जो लड़की थी उसने अपनी माताजी को पकड़ रखा था और माताजी के जो बगल में थैला था, थैले के अंदर कुछ लेडीजें थी जिन्होंने उनके 50,000 रुपये निकाल लिए। और आप लोग होशियार हो जाएं, ये आपको चेतावनी है। आप गरीबों, यहाँ गरीबों के पैसे जमा होते हैं बैंक में और गरीब लोग होते हैं, तो आप लोग ध्यान दें अपने पैसे पर। ये भारतीय स्टेट बैंक है नंदनगरी। यहाँ आए दिन घटना घटती रहती है और यहाँ पुलिस भी नहीं बैठाई गई, ना पुलिस होती है यहाँ पर। और ये बैंक की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके कस्टमरों के साथ में इस तरह की हेरा फेरिया या चोरी चकारी हो। मेरे साथ भी मेरे बच्चे यहाँ पैसे लेने आया था ATM से एक बार, तो उससे 15,000 की गबन कर लिया था, लेकिन हमने तो उसको बैंक के थ्रू उसको पकड़वा दिया था। यहाँ आए दिन घटना घटती रहती है, ATM पर भी और वैसे बैंक में भी कुछ ना कुछ घटती रहती है। और आप लोग होशियार जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। चलिए, यहाँ गार्ड भी होता है लेकिन गार्ड निकलता नहीं है, कई बार घटना ही होती है। ये हमारे दीपक भाई हैं, ये अभी CCTV कैमरे में जांच करा रहे हैं, और ये संजय भाई हैं, ये CCTV में जांच कर रहे हैं। और महिला बैंक के कैमरे में तो दिख रही है और ऐसी भी नहीं लग रही कोई समेकन हो कैसी हो, लेकिन अच्छी कपड़ों में है, कोई उन्हें कह ही नहीं सकता कि वो इस तरह की हरकतें करती हैं। आप लोग होशियार हो जाएं, बैंकों में आए दिन ये हेरा फेरी होती है, लोगों के पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये देखिए क्या बात है कालू भाई की। जय श्री राम, जय श्याम खाटू वाले बाबा की। हमारे समाज के संस्थापक श्री राम जी है। जय श्री राम, जय श्री राम।
शिव मंदिर के पास में जो कैमरा है उसकी जांच की जा रही है। दोस्तों ये तांगा स्टैंड है और ये हमारे सामने कालू भाई काम कर रहे हैं और यहाँ अभी सीसीटीवी कैमरे में हमने भी जांच कराई है और उसमें साफ नज़र नहीं आया हमें। और ये हमारे अंकित पाल जी आ गए हैं, इन्हीं के ब्लॉक की बच्ची हैं जिनके साथ में यहाँ पर पैसे निकाले गए बैंक में। और ये हमारे दीपक और ये संजय, यहाँ भी बड़ी भीड़ हो रही थी। ये कल की वारदात है, आज क्या था, आज तारीख 19 है, आज 19 है, 19 तारीख और सातवां महीना 2023। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि भाई होशियार रहना चाहिए, बैंक में जाओ अपने चारों तरफ देखें, चौकन्ना हो जाएं। इस तरह की हरकतें आए दिन होती रहती है, हम लोगों को होशियार होना पड़ेगा। हमारे कालू भाई यह हमारे कालू भाई अभी हरिद्वार गए थे कावड़ लेने, और कैसा रहा आपका सफर? बिल्कुल बढ़िया भाई, एकदम बहुत बढ़िया रहा, कोई थकान वकान कोई दिक्कत नहीं? बाबा ने आपकी कृपा बढ़िया रखी बना के हैं भाई भी। यह अंकित पाल जी है हमारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सफाई पे तो बहुत कम भाई। भाई क्या कर रहे हैं? ये भाई ये बात है, क्या बात है, जय श्री राम। ये मैं अभी उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, मैं अभी सीधा लूँगा, हाँ सीधा लूँगा अभी। अभी रुक तो जा। दोस्तों क्या नाम है? टिंकल। ये टिंकल है, बोल जल्दी बोल, क्या कह रही है? मेरा नाम टिंकल है, मैं चॉकलेट खा रही हूँ। भात तो उठा आगे सटू, आप बोल 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 जल्दी बोल जल्दी। मैं अभी मैंने चीज लेके आई थी, मेरी मम्मी ने पैसे दिए थे। कितने? 5 रुपए। 5 रुपए चॉकलेट आ गई? हाँ। अच्छा फिर बाबा के लिए नहीं लाई? अच्छा तुम भी बोलो कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तू भी बोल। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप भी बोलो। हाँ बनी आइए आइए। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? क्या बच्चों का? अच्छा चलो ले आओ, गर्मी इतनी हो रही है, पता नहीं आज बरसात हो जाती तो बढ़िया होता। दोस्तों ये समाज सेवी के हैं अनु उठवाल जी, कुछ कहेंगे अनु उठवाल जी, कुछ बोलेंगे? आप बोलो। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं अनु उठवाल, मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा, मैं दिलसार गार्डन क्षेत्र में रहती हूँ। धन्यवाद अनु उठवाल जी आपका। क्या कह रहा तू, खाने में स्वादिष्ट में बहुत? क्या है इसका नाम क्या है? पॉप्स ब्लिच है। पॉप्स उठा के दिखाओ हाथ में, क्या क्या है, क्या नाम है इसका? इसका नाम पॉप्स है, इसमें नमक ज़्यादा है शायद। हाँ तो अभी क्या कहते, क्या है इसमें खाने में? स्वाद है। स्वाद बता रहा, स्वाद स्वाद क्या होता है? स्वाद मतलब अच्छा। बच्चा हक आगे भाग रहा है और ये हमारे पप्पू भाई साहब आए हैं, आज ही आए हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र आए हो जी? हाँ हाँ हम महाराष्ट्र में आए से मिलने के लिए, है ना? उधर घूमो, उधर उधर घूम दो। ये हमारे पप्पू भाई साहब महाराष्ट्र आए हैं घूम घाम के। कहाँ भाग के जा रहा था ये, कहाँ भाग के जा रहा था? अच्छा क्या नाम है इसका? हाँ भाई। दोस्तों अभी आके बैठा हूँ मैं
और मैंने जिस बिटिया के पैसे निकले 50,000, मैंने उनकी, एक मेरे छोटे भाई हैं उनकी बात करा दी है। कल वो थाना नंदगिरी में SHO साहब से मिलने जा रही हैं और वहाँ अपनी समस्या रखेंगी। और ऐसी बात नहीं है, पुलिस कार्रवाई करेगी और पकड़ी जाएंगी। वो पुलिस तो हमारी जो है सक्षम है पकड़ने में, पुलिस पकड़ेगी क्योंकि वो क्लियर आ रही हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि चेहरा बेकार है, कोई आ नहीं रहा है, चेहरा साफ दिख रही है। वो लोग जो उस बच्ची को, उसकी माता जी को घेर कर उन्होंने बैग में से पैसे निकाले हैं और वो पकड़ी जाएंगी। और अब मैं उन बच्ची के साथ हूँ। बच्ची को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे भी इस तरह के कोई भी अगर वारदात घटती है, हम उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि देखिए, हर आदमी, गरीब आदमी कैसे कैसे बैंक से पैसा बैंक में पैसा जमा करता है और उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई को कोई ऐसे ही ले जाए तो बड़े दुख की बात है। आप लोगों को भी होशियार होना होगा और ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा। मैं शायद आगे मुझे वो बिटिया CCTV कैमरे की रिपोर्ट भेजेगी बैंक की, तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा उस CCTV की रिपोर्ट से। दोस्तों, जो बैंक की CCTV कैमरे की रिपोर्ट अभी आई है मेरे पास, अभी मैं इसमें आपको शेयर करता हूँ। मकसद है कि आप होशियार हो जाएं ऐसे लोगों से जो आप लोगों के साथ में इस तरह की चोरी चकारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से अपने बैंक में जब भी जाएं होशियार रहें, चारों तरफ देखें कौन आदमी क्या कर रहा है। मैं आपको वीडियो अभी इसमें इसी अपने ब्लॉग में डालता हूं। अब मैं नमस्कार सर, दोस्तों मैं आ गया बैंक के CCTV कैमरे की